My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Ishindra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से Dr. Ishindra online classes for education में स्वागत करता हूँ। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, स्नातक कर रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए एक माइनर का पेपर है जिसका कोर्स का कोड है या पेपर का कोड है PHI 100 और कोर्स या पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ। तो नाथ पंथ के लिए जो सत्र 2023-24 में विद्यार्थी थे, उन जो इवन सेमेस्टर में थे अर्थात सम सेमेस्टर में, सेकेंड फोर्थ सेमेस्टर में थे सत्र 2023-24 में, उनके लिए इस पेपर या इस कोर्स का एग्जाम हुआ था 8 जून 2024 को। 8 जून 2024 को जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कुल मिलाकर के 50 प्रश्न आए थे। पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हम सभी लोगों ने प्रथम 25 प्रश्नों को सॉल्व किया था, उसके आंसर्स को देखा था, और आज की क्लास में इस वीडियो में जो बाकी के 25 प्रश्न हैं, उन 25 प्रश्नों को देखेंगे, उनके आंसर्स को हम लोग देखेंगे। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर आ गया, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रश्न संख्या 26 है। प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ योग सूत्र, योग सूत्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन सर गोरखनाथ, पतंजलि, रामदेव या भगवान बुद्ध। तो जो योग सूत्र है इसके रचयिता कौन है? पतंजलि जी हैं। सो यहां पे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, प्रश्न संख्या 27। चित्त इज रिलेटेड टू, चित्त संबंधित है। ऑप्शन सर महत से, अहंकार से, मन से या उपर्युक्त सभी से। प्रिय विद्यार्थियों, योग दर्शन में जो तीन तत्व हैं, उसमें तीन तत्वों में महत या बुद्धि, अहंकार और मन के संयोग को चित्त कहा जाता है। अर्थात जो योग दर्शन में महत, महत से प्राय है बुद्धि से, अहंकार और साथ ही साथ जो मन है, इन तीनों के संयोग को चित्त कहा जाता है। तो चित्त क्या हो गया? इन तीनों हो गए। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव, इट इज द राइट ऑप्शन। चित्त संबंधित है महत या बुद्धि से, अहंकार से और मन से, इन तीनों से संबंधित है। इन तीनों के संयोग को ही, संयोजन को ही, इन तीनों के संयोजन को ही चित्त कहा जाता है योग दर्शन में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। द फाउंडर ऑफ योगा, योग फिलोसफी इज, योग दर्शन के प्रणेता हैं। ऑप्शंस आर पतंजलि, गोरखनाथ, मसीन्द्रनाथ या चरपटनाथ। तो जो योगी, जो मुनि पतंजलि ही योग दर्शन के प्रणेता हैं। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। योग दर्शन के प्रणेता कौन है? मुनि पतंजलि या पतंजलि मुनि जी योग दर्शन के प्रणेता हैं। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, क्वेश्चन नंबर 29। प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन जो है उस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आर गोरखनाथ, श्री अरविंदो, मसेंद्रनाथ या स्वामी विवेकानंद। तो डियर स्टूडेंट्स, द ऑथर ऑफ द बुक लाइफ डिवाइन इज श्री अरविंदो। तो जो श्री अरविंदो है, श्री अरविंद जो है वो द लाइफ डिवाइन पुस्तक के ऑथर है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, प्रश्न संख्या 30। प्रश्न है, द कंसेप्ट ऑफ क्रिया योग इज रिलेटेड टू, क्रिया योग की अवधारणा संबंधित है। ऑप्शन सर गोरखनाथ, श्री अरविंद, परमहंस योगानंद या पतंजलि। तो क्रिया योग की अवधारणा किससे संबंधित है? परमहंस योगानंद जी से संबंधित है। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, द कंसेप्ट ऑफ सुपर माइंड इज रिलेटेड टू, अतिमानस की अवधारणा का संबंध है। ऑप्शन सर गांधी जी से, विवेकानंद जी से या योगानंद जी से या श्री अरविंद जी से। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हम लोग अतिमानस की बात कर रहे हैं, इसी को हम लोग सुपर माइंड भी कहते हैं। सुपर माइंड का जो संबंध है या अतिमानस का जो संबंध है वो किससे है, इसके पूर्व में भी हम लोगों ने पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था। सुपर माइंड का संबंध किससे? श्री अरविंद जी से है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो डी ऑप्शन है, श्री अरविंद जी का संबंध जो है अतिमानस या सुपर माइंड से है। और जब इंटीग्रल योगा की बात हम लोगों ने किया था पिछले क्लास में, क्वेश्चन नंबर 10 देखा था कि इंटीग्रल योग या समग्र योग जो है, इसी समग्र योग या इंटीग्रल योग को सुप्रामेंटल योग भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो अतिमानस का संबंध है वो क्या है? सुपर माइंड का संबंध किससे? श्री अरविंद जी से
है, सो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, प्रश्न संख्या 32 प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ द फिलोसफी ऑफ गोरखनाथ। द फिलोसफी ऑफ गोरखनाथ के रचयिता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, अक्षय कुमार बनर्जी, गोरखनाथ या मत्स्येंद्रनाथ। तो प्रिय विद्यार्थियों द फिलोसफी ऑफ गोरखनाथ के रचयिता कौन है, अक्षय कुमार बनर्जी जी हैं। सो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, अक्षय कुमार बनर्जी इज द ऑथर ऑफ द बुक द फिलोसफी ऑफ द गोरखनाथ। आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 33, क्वेश्चन नंबर 33 प्रश्न है, हु वाज द गुरु ऑफ गोरखनाथ, भगवान गोरखनाथ के गुरु कौन थे। ऑप्शन है शंकराचार्य, पतंजलि, मत्स्येंद्रनाथ या विवेकानंद जी। तो भगवान गुरु गोरखनाथ जी ने अपना जो गुरु बनाया था मत्स्येंद्रनाथ जी को बनाया था। सो यहाँ पे सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, भगवान गोरखनाथ जी के गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, प्रश्न संख्या 34 प्रश्न है, गोरखनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड एट, गोरखनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो आपके जो विकल्प है आप सभी लोग जानते हैं कि गोरखनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, गोरखपुर में स्थित है। सो यहाँ पे डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, प्रश्न संख्या 35 प्रश्न है, द कंसेप्ट ऑफ ब्रह्मांड इन पिंडा इज रिलेटेड टू, पिंड में ब्रह्मांड की अवधारणा का संबंध किससे है। ऑप्शन सर गोरखनाथ, पतंजलि, श्री अरविंद या बुद्ध। तो पिंड में ब्रह्मांड की जो अवधारणा है इसका संबंध गोरखनाथ जी से है। सो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36 प्रश्न संख्या 36 प्रश्न है, आदिनाथ का संबंध है, आदिनाथ इज रिलेटेड टू। ऑप्शन आर गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, शिवा या जलंधरनाथ। गोरखनाथ जी मत्स्येंद्रनाथ जी से, शिव से या जलंधरनाथ जी से। तो प्रिय विद्यार्थियों जो आदिनाथ से कहा जाता है 36 आप देखेंगे आदिनाथ भगवान शिव को कहा जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, आदिनाथ जी का आदिनाथ का संबंध किससे, भगवान शिव से है, शंकर से। सो यहाँ पे सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 प्रश्न संख्या 37 प्रश्न है, चक्रभेदन इज रिलेटेड टू, चक्रभेदन किससे संबंधित है। ऑप्शन आर ध्यान योग, भक्ति योग, हठ योग या कर्म योग। तो चक्रभेदन किससे संबंधित है, चक्रभेदन संबंधित है हमारे हठ योग से। सो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, हठ योग। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 38 क्वेश्चन नंबर 38 प्रश्न है, कपालभाति इज रिलेटेड टू, कपालभाति का संबंध है नाथ योग से, बौद्ध मत से, जैन मत से या ज्ञान योग से। तो प्रिय विद्यार्थियों जो हठ योग है हठ योग का संबंध कपालभाति से है, तो इस तरह से जो नाथ योग है नाथ योग से या हठ योग से संबंध कपालभाति का है। सो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39 प्रश्न संख्या 39 प्रश्न है, मुद्रा एंड बंध आर रिलेटेड टू, मुद्रा एवं बंध का संबंध किससे है, हठ अष्टांग मार्ग से, हठ योग से, त्रिरत्न से या साधन चतुष्टय से। विद्यार्थी मुद्रा एवं बंध का संबंध किससे है, हठ योग से है। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40 प्रश्न संख्या 40 प्रश्न है, व्हाट इज अर्ध मत्स्येंद्रासन, क्या है अर्ध मत्स्येंद्रासन जो है वो क्या है, यही प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। क्वेश्चन नंबर 40 जो है उसमें कहा जा रहा है कि अर्ध मत्स्येंद्रासन क्या है। ऑप्शन है प्राणायाम है, यम है, नियम है या आसन है। तो प्रिय विद्यार्थियों जो अर्ध मत्स्येंद्रासन है नाम से स्पष्ट है आधा मत्स्य मुद्रा, आधा मीनिया मत्स्य मछली की मुद्रा बनाना ही जो है वो अर्ध मत्स्येंद्रासन है। तो यहाँ पे नाम से स्पष्ट है क्या है, एक आसन है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41 क्वेश्चन नंबर 41 प्रश्न है, सत्य इज रिलेटेड टू, सत्य का संबंध है। ऑप्शन आर नियम से, आसन से, प्राणायाम से या यम से। विद्यार्थियों जब आप यम के बारे में पढ़ेंगे तो कुल मिलाकर कितने यम है, 5 यम है। उस 5 यम में पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है ब्रह्मचर्य, पांचवा है अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 यम है। तो सत्य क्या है, इन्हीं 5 यमों में आता है। इस तरह से सत्य का संबंध किससे है, यम से है। सो यहाँ पे डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, जो डी विकल्प है यम दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 क्वेश्चन नंबर 42 प्रश्न है, पूरक, कुंभक एंड रेचक इस आर रिलेटेड टू, पूरक, कुंभक और रेचक का संबंध है प्राणायाम से, प्रत्याहार से, ध्यान से, प्राणायाम से, प्रत्याहार से, ध्यान से, समाज से। तो प्रिय विद्यार्थियों पूरक, कुंभक और रेचक के प्रश्न ये जो शब्द आप सुने होंगे, जब हम सभी लोग प्राणायाम कर रहे होते तो प्राणायाम में क्या करते हैं, हम सांस को लेते हैं, सांस को रोकते हैं कुछ समय तक और उसको सांस को
छोड़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब हम श्वास को अंदर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं पूरक, जब हम श्वास को रोकते हैं अपने सीने में तो उसको हम कहते हैं कुंभक, और जब हम श्वास को निकालते हैं बाहर तो उसको हम कहते हैं रेचक। अर्थात सांस लेना क्या है, पूरक है, सांस को रोकना क्या है, दैट इज कुंभक है, और सांस को छोड़ना क्या है, रेचक है। तो ये सब इसमें होता है, ये सारी प्रक्रिया प्राणायाम में होती है। तो सो यहाँ पे ए ऑप्शन दैट इज प्राणायाम इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 43। प्रश्न है षडांग योग संबंधित है, जो षडांग योग है वो किससे संबंधित है, अष्टांग योग से है, हठ योग से है, भक्त योग से है, या क्रिया योग से है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्न जो है षडांग योग। अब षडांग योग में आता क्या, पहले ये आप देख लीजिए, षडांग योग में आता है आपका प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, अनुस्मृत या बार बार स्मरण करना और समाधि, ये छह चीजें आती है षडांग योग में, प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, स्मृत और समाधि। एक यहाँ पे ऑप्शन दिया गया अष्टांग योग। अब अष्टांग योग में क्या आता है इसको आप देखिए, अष्टांग योग में आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो धारणा, ध्यान, समाधि, प्राणायाम, ये सारी चीजें जो अष्टांग योग में आती है, और षडांग योग जो है वो है प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, अनुस्मृति और समाधि। तो इस तरह से हम देखें तो जो षडांग योग वो किससे संबंधित है, अष्टांग योग से ही संबंधित है। जो अष्टांग योग में बातें कही गई हैं वही बातें लगभग लगभग षडांग योग में है, या अष्टांग योग की ही बातें षडांग योग में है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि षडांग योग जो है वो अष्टांग योग से संबंधित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में भी द राइट ऑप्शन, जो ए ऑप्शन है वह सही उत्तर हो सकता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 44, क्वेश्चन नंबर 44। प्रश्न है हु इज द ऑथर ऑफ 15 तिथि, 15 तिथि की रचयिता कौन है। ऑप्शन है आपके संत कबीर, गोरखनाथ, रैदास या मैथिली शरण गुप्त। तो 15 तिथि की रचयिता कौन है, भगवान गोरखनाथ जी हैं। सो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, गोरखनाथ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 45, क्वेश्चन नंबर 45। प्रश्न है षटकर्म संबंधित है, भक्त योग से, नाथ योग से, ध्यान योग से या जैन योग से। तो अब षटकर्म क्या होता है पहले समझ लीजिए, षटकर्म जो होता है ये हठ योग का है, हठ योग या नाथ योग में षटकर्म के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। और षट योग में जो योग होता है, पहला होता है नेत, दूसरा होता है धौत, तीसरा होता है कपाल भाती, चौथा होता है त्राटक, पांचवा होता है नौली और छठवां होता है बस्ती। नेत, धोत, कपाल भाती, त्राटक, नौली और बस्ती, ये सभी जो है षट कर्म है, और षट कर्म जो है नाथ योग से या हठ योग से संबंधित है। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, प्रश्न संख्या 46। प्रश्न है द ऑथेंटिक वर्क्स ऑफ गोरखनाथ आर, गोरखनाथ की प्रमाणिक रचनाएं मानी गई हैं। ऑप्शन है आपके 10, 14, 20 या 5। प्रिय विद्यार्थियों, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने कुल मिलाकर के 40 हिंदी रचनाओं की सूची दी है। कितने की दी है सूची, 40 हिंदी रचनाओं की सूची दी है, और उनमें से कुल 40 में से कुल 14 रचनाओं को उन्होंने प्रमाणिक माना है। इस तरह से गोरखनाथ की जो प्रमाणिक रचनाएं कितनी है, 14 है, 14 है। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पंडित डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने 40 हिंदी रचनाओं की सूची दी और उनमें से कुल 14 रचनाओं को प्रमाणिक माना। सो इस तरह से इन दिस वे द ऑप्शन बी दैट इज 14 इज द राइट आंसर या राइट ऑप्शन। जो बी ऑप्शन है जिसमें 14 दिया गया है कि प्रमाणिक रचनाओं की संख्या कितनी, 14 है, इट इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 47, क्वेश्चन नंबर 47। प्रश्न है हु हैज सेड शक्ति लाइज इन शिवा, शिवा लाइज इन शक्ति, किसने कहा है कि शिव में शक्ति नहीं था और शक्ति में शिव नहीं था। ऑप्शन से गोरखनाथ, मसेन्द्रनाथ, योगानंद या श्री अरविंद। तो किसने कहा, गोरखनाथ जी ने, भगवान गोरखनाथ जी ने कहा है। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 48 है हु सेड देयर इज नो वर्च्यू नॉर हैप्पीनेस ग्रेटर देन योग, किसने कहा योग से बढ़कर न कोई पुण्य है और न कोई सुख है। ऑप्शन से मसेन्द्रनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ या गोरखनाथ। तो जो डी ऑप्शन भगवान गोरखनाथ इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, प्रश्न के 49। प्रश्न है हु वाज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द नाथ सेक्ट, नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा है। विद्यार्थी जो नाथ संप्रदाय है
उसका जो सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा है? ऑप्शन है सूफी साहित्य, जैन साहित्य, संत साहित्य या संस्कृत साहित्य। तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो संत साहित्य की काव्यधारा है, संत साहित्य की काव्यधारा पर सिद्ध और नाथ साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 50, प्रश्न संख्या 50। प्रश्न है, आफ्टर शंकराचार्य डैश बिफोर द भक्ति मूवमेंट द मोस्ट पावरफुल रिलीजियस मूवमेंट वॉज द भक्ति मार्ग ऑफ गोरखनाथ। दिस इज द ओपिनियन ऑफ। शंकराचार्य के बाद भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था, यह मत किसका है? ऑप्शन सा जॉर्ज ग्रियर्सन का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या राहुल शांक्रियत्यायन का। तो प्रिय विद्यार्थी, यह जो मत है वो किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। सो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार शंकराचार्य के बाद भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन पेपर आया था 8 जून 2024 को, पीएचआई 100 इंट्रोडक्शन टू नाथपंथ या नाथपंथ का, पीएचआई 100 का, उस क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने सॉल्व किया। कुल 50 प्रश्न थे, 500 प्रश्न के आंसर्स को देखा, 500 प्रश्न के उत्तर को देखा। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि जितने भी प्रश्न दिए गए इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में भी ये प्रश्न दोबारा पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, उस वीडियो पर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, और जो कुछ ऑप्शंस आएंगे उसमें से आप आल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी, और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।